का जो पुलिस मुठभेड़ हुई है उसमें लक्ष्मण यादव नाम का ये बदमाश है ये मारा गया है। इसमें करीब 40 के करीब लूट और हत्या के मुकदमे इस पर दर्ज थे। हमारे यहाँ से आजमगढ़ से इस हत्या के मामले में 50,000 रुपये का इनाम था और वही 1,00,000 रुपये का इनाम अम्बेडकर नगर में अभी एक महीना पहले इसने हत्या की है उसमें 1,00,000 रुपये का इनाम था। इस तरह से इस पर आज की डेट में 1,50,000 रुपये का इनाम था। बहुत बड़ी क्रिमिनलिस्ट है इसकी, इसका बड़ा यहाँ दहशत था और आज मुठभेड़ में ढेर हुआ। राज्य जदीद का रहने वाला जो कुख्यात गैंगस्टर है लक्ष्मण यादव, इसकी आज सुबह पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें इसको गोली लगी, इसको हॉस्पिटल लाया गया है और इसमें स्वाट टीम आजमगढ़ के जवान और अधिकारी शामिल थे और इसके साथ साथ स्थानीय थाना महाराजगंज की पुलिस टीम थी और मतदाताओं ने पुलिस के ऊपर फायर किया। फायर के बाद में हमारा एक जवान घायल है, अभी यहाँ पर एडमिट हैं सुरेंद्र यादव, और इस अपराधी को भी गोली लगी है। इसके कुछ साथी फरार हो गए जिसके लिए कामबिंग चल रही है। क्या सर DIG साहब के कोई जो भाई थे उनके हत्या में भी शामिल थे? जी, इसके ऊपर कुल 44 मुकदमे थे और ये DIG के भाई की हत्या में प्रमुख आदमी था और आज भी इसकी जो सूचनाएं हैं ये हत्या करने के लिए आया हुआ। सोमपुर गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है सड़क पर और अपराधी पुलिस के ऊपर फायर करके भागा है खेतों में और वहां से भी फायर कर रहा था, जिसके बाद में जवाबी कार्रवाई हुई, इसको भी गोली लगी और इसको अस्पताल में ले आया गया है।